विधानसभा चुनाव की घोषणा होते ही सत्ताधारी और विपक्ष की ओर से आरोपों का दौर शुरू हो गया है। लाडली बहन योजना पर विपक्ष द्वारा लगातार महायुति सरकार को घेरने की कोशिश की जा रही है। आज फिर से कांग्रेस पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता अतुल लोंढे ने लाडली बहन योजना के विज्ञापन पर सरकार पर निशाना साधा। महायुति सरकार ने टेंडर लो, कमीशन दो नीति के तहत लाडली बहन योजना के प्रचार प्रसार पर सैकड़ों करोड़ रुपए बर्बाद किए हैं। लोगों की कमाई को विज्ञापनों आयोजनों में बर्बाद किया जा रहा है, ऐसा भी उन्होंने कहा। शिंदे फडणवीस अजित पवार की सरकार आम जनता से आए हुए करों के पैसे का किस तरह से गलत इस्तेमाल करती है, ये इसी से पता चलता है कि लाडली बहना को पैसे दिया, हमने भी स्वागत किया। महंगाई की भोज के तले हमारी लाडली बहना डूबी हुई थी। खाने के तेल से लेकर गैस सिलेंडर से लेकर पेट्रोल से लेकर हर चीज महंगी हो चुकी थी। किसान को मदद नहीं की, बेरोजगारी बेताशा बढ़ाई, उसमें ये पैसे दे रहे थे तो हमें भी अच्छा लगा। हमने 2000 की बात की, लेकिन एक बात मुझे समझ में नहीं आई कि जिस तरह से इसका प्रचार प्रसार के लिए 199,47,446 रुपए जो खर्चा किए गए हैं, ये केवल और केवल अपनी छवि चमकाने के लिए, अपना चेहरा लोगों के सामने रखने के लिए, जनता के मेहनत के पसीने के पैसे जो है इन्होंने उड़ाए हैं। मुझे नहीं लगता इन्हें जनता माफ करेगी, और ये RTI से निकाली हुई इन्फॉर्मेशन है, हमारे पास पूरे इसके सबूत है। महान्यूज 7 के लिए विजय गावंडे, नागपुर।